Hello friends and welcome to Pendulum Media. Today we will be discussing daily current affairs of 29 August 2020. And guys, today is National Sports Day. तो आप सबको National Sports Day की बधाई हो. और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज की कौन सी मेजर न्यूज़ हैं. सो द फर्स्ट न्यूज इज फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीट 6 ईयर्स. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना को 6 वर्ष पूरे हुए हैं. On 28 August 2020, the Financial Inclusion Program, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has completed 6 years. तो 28 अगस्त 2020 को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना की हम बात करें तो ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई. सो दिस वॉज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014. और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पीपल इन द कंट्री. तो इसमें क्या था कि लोगों के लिए जो अकाउंट्स खोले गए थे वो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे ताकि जो गरीब से गरीब जो इंसान है उसकी बैंकिंग फैसिलिटी तक उसकी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके. तो समावेशी जो है जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है उसको पूर्ण करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू. मोर देन 40 करोड़ 35 लाख बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन अंडर दिस स्कीम एंड 1,31,000 करोड़ हैज बीन डिपॉजिट इन दीज अकाउंट्स. इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं. अराउंड 8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स आर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर वेरियस स्कीम्स. तो इसके खाते खुलने के कारण जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो गवर्नमेंट का एम है वो भी फुलफिल हो रहा है. अब डायरेक्टली जो है जो भी प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पास जो है सीधे अकाउंट में पैसा पहुँच जाता है. तो यहाँ पे जो बीच का जो मिडिल मैन है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है. इस योजना से ये लाभ हुआ है मेजर. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी अ क्वेश्चन. फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी. 2016, 2019, 2014 and 2017. क्या होगा इसका सही आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 2014 में ये लॉन्च की गई थी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग कंक्लूडेड थ्रू वर्चुअल मोड. आशियान भारत व्यापार परिषद की बैठक आभासी माध्यम से संपन्न हुई. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया एड्रेस द मीटिंग. तो भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक को संबोधित किया. ही एम्फसाइज्ड कोऑपरेशन कमिटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड आशियान कंट्रीज. तो उन्होंने भारत और आशियान देशों के बीच सहयोग प्रतिबद्धता और रणनीतिक साझेदारी पर बल दिया. पीयूष गोयल ऑल्सो कॉल्ड फॉर कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप फॉर द आशियान रीजन. पीयूष गोयल ने आशियान क्षेत्र के लिए सहयोग और दोस्ती का आह्वान भी किया है. तो आशियान की बात करते हैं. इट इज एन रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स इंटरगवर्नमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. तो एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर सरकारी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती है. इसमें जो मेंबर्स हैं वो 10 कंट्रीज हैं जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस आशियान. सो दीज इंक्लूड इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर फिलीपींस वियतनाम ब्रूनी म्यांमार कंबोडिया एंड लाओस. सो दीज आर द कंट्रीज विच आर देयर एज अ पार्ट ऑफ आशियान. इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन जकार्ता इंडोनेशिया. तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका. जकार्ता इंडोनेशिया में है. और इसकी स्थापना कब हुई थी. ऑन 8 अगस्त 1967 आशियान वॉज स्टैब्लिश्ड. Moving forward, let's see a question. In which country is the headquarters of the Regional Intergovernmental Organization ASEAN located? क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन आशियान का मुख्यालय किस देश में स्थित है. इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया एंड सिंगापुर. तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटरनेशनल लेवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह पता होने चाहिए. The correct answer is option A, that is Indonesia, क्योंकि जकार्ता में यहाँ जकार्ता इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है आशियान के. मूविंग फॉरवर्ड अगली न्यूज देखते हैं. गवर्नमेंट
अप्रूव्ड 78 न्यू रूट्स अंडर द उड़ान स्कीम। सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंजूरी प्रदान की है। दीज न्यू रूट्स गिव प्रायोरिटी टू द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट द हिल स्टेट्स एंड द आइलैंड्स। तो इन नए मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। ऑफ दीज 29 अप्रूव्ड एयरपोर्ट्स 8 आर क्लोज्ड एंड 2 आर अंडरसर्व। तो इन 29 स्वीकृत हवाई अड्डों में 8 बंद पड़े और 2 बहुत कम उपयोग किए जाने वाले हवाई अड्डों को उपयोग किया जाएगा। सो दीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। सो फार अ टोटल ऑफ 766 रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री अंडर दिस स्कीम। तो मंत्रालय के द्वारा इस योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है। आउट ऑफ देम 274 फ्लाइट रूट्स हैव बीन कमीशन्ड इन्वॉल्विंग 45 एयरपोर्ट्स एंड 3 हेलीकॉप्टर्स। तो इनमें से 274 उड़ान मार्गों को चालू किया गया है जिसमें 45 हवाई अड्डे और 3 हेलीकॉप्टर जुड़े हुए हैं, सॉरी 3 हेलीपोर्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उड़ान स्कीम की हम बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ उड़ान इज उड़े देश के आम नागरिक, तो इसका पूर्ण रूप है उड़े देश के आम नागरिक। द स्कीम वॉज लॉन्च इन अप्रैल 2017 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये जो योजना है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वॉज लॉन्च विद द ऑब्जेक्टिव कनेक्टिंग रीजनल रूट्स, प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड मेकिंग फ्लाइट्स अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा एक फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। और इसमें जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, सबसे पहले तो कि क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ना है, ठीक है, जो रीजनल रूट से उनको कनेक्ट करना। दूसरा, संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पर जो है एयरपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन जो रीजन्स हैं जहाँ पे कम डेवलपमेंट है वहाँ तक भी पहुँच को सुनिश्चित करना है, और तो इसीलिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तीसरा है कि टू मेक फ्लाइट्स अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल, तो जो आम लोग हैं उनके लिए उड़ानों को सस्ती बनाना, ये इस जो स्कीम का उद्देश्य है। उड़ान स्कीम इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी विच वॉज लॉन्च इन जून 2016। तो उड़ान स्कीम जो है, ये उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। तो जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है वो जून 2016 में आई, और उसका मेजर कंपोनेंट उड़ान स्कीम ये कब लॉन्च हुआ, ये अप्रैल 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ उड़ान स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक अर्थात उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। कनेक्टिंग रीजनल रूट्स, क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ना। प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। मेकिंग द फ्लाइट अफोर्डेबल फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए उड़ान सस्ती बनाना, एंड ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो क्या हुआ इसका पर्पज, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। गाइज आंसर कमेंट करते रहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो है उड़ान स्कीम के उद्देश्य हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिव्यू द कॉम्प्रिहेंसिव मंसार रिजुविनेशन एंड डेवलपमेंट प्लान। PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने व्यापक मानसर कायाकल्प और विकास योजना की समीक्षा की है। प्रोसेसेस वर इनिशिएटेड फॉर द डेवलपमेंट रिजुविनेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ मंसार वेटलैंड्स। मंसार वेटलैंड के विकास कायाकल्प और सौंदर्यकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। The objective of this scheme is to increase the number of tourists and promote the socio-economic development of the Jammu region. इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना और जम्मू क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। The plan includes the goal of increasing the annual tourist footfall to 20 lakhs with the upgrade of existing facilities and the development of new projects. इस योजना में मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और नई परियोजनाओं के विकास के साथ वार्षिक पर्यटक फुटबॉल को 20 लाख तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य शामिल है। आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड द लोकल इकोनॉमी विल गेट अ बूस्ट, ओपनिंग अप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल यूथ स्पेशली इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। इस परियोजना के पूरी हो जाने के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जिससे जो पर्यटन है और जो आतिथ्य क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार में भी जो है अवसर नए खुलेंगे। द प्रपोज्ड प्लान इज द एरिया ऑल्सो इंक्लूड्स अ बर्ड गैलरी एंड बर्ड वॉचर्स
लॉज। इस क्षेत्र में प्रस्तावित योजना में एक पक्षी गैलरी और बर्ड वॉचर्स लॉज भी शामिल है। मानसर लेक की बात करें, मानसर झील जो है, इट्स ऑफिशियल नेम इज मानसर सुरनीसर मानसर लेक। तो मानसर झील का आधिकारिक नाम जो है वो सुरनीसर मानसर झील है, एंड दिस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। तो ये जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुरनीसर मानसर लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन इन नवम्बर 2005। तो इसको जो है, लेक को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो है इसको वेटलैंड जो है दर्जा दिया गया है इन नवम्बर 2005। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, वेयर इज सुरनीसर मानसर लेक लोकेटेड। सुरनीसर मानसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? केरला, चंडीगढ़, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में ये लेक स्थित है। आगे चलते हैं। हरिकेन लॉरा कोलाइड्स विद द लुइसियाना स्टेट ऑफ यूएसए। हरिकेन लॉरा अमेरिका के लुइसियाना प्रांत से टकराया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। ड्यू टू दिस हरिकेन एटलीस्ट 6 पीपल हैव डाइड एंड हैवी लॉसेस हैव अकर्ड इन लुइसियाना। इसके कारण लुइसियाना में कम से कम 6 लोग मारे गए और भारी नुकसान हुआ। हरिकेन की बात करें, सो इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर्स इन द अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है। दीज ओरिजिनेट ऑन द वार्म सी सर्फेस नियर द इक्वेटर दैट इज हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ नियर 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्र सतह जो कि 25-27 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं। द स्टॉर्म यूजुअली अकर्स बिटवीन 5 डिग्री एंड 15 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो तूफान जो है ये आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5-15 डिग्री अक्षांश के बीच जो है होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कॉल्ड विली विली इन ऑस्ट्रेलिया, साइक्लोन्स इन इंडिया एंड टाइफून्स इन चाइना एंड जापान। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, भारत में चक्रवात कहा जाता है और चीन और जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री डिड हरिकेन लॉरा हिट। हाल ही में तूफान लॉरा किस देश से टकराया था? चाइना, जापान, वियतनाम, यूएसए। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अमेरिका। आगे चलते हैं। असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द असम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो असम मंत्रिपरिषद ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। थ्रू दिस बिल अ स्किल्ड यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन मंगलदोई एट अ कॉस्ट ऑफ ₹900 करोड़। इस विधेयक के द्वारा 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऑल्सो एट द मीटिंग इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी इंक्रीज्ड फॉर अप्लाइंग ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स टू 40 ईयर्स। साथ ही बैठक ने समूह 3 और समूह 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम सीमा जो है वो 40 साल कर दी है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ असम हैज ऑल्सो अप्रूव द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम विच इज अरुणदोई स्कीम। तो हाल ही में असम सरकार ने वित्तीय सहायता योजना अरुणदोई स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। असम की बात करें तो इट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इट इज नोन फॉर वाइल्ड लाइफ आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड डी गार्डन। तो ये अपने वन्य जीवों, पुरातत्व स्थलों और चाय बागानों के बारे में ये काफी फेमस है, उसके लिए जाना जाता है। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। आप सभी जानते हैं कि राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। द स्टेट ऑफ असम हैज 14 लोकसभा सीट्स एंड 126 विधानसभा सीट्स। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और जो विधानसभा है उसकी 126 सीटें हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली असम गवर्नमेंट हैज रेज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स टू हाउ मेनी ईयर्स। हाल ही में असम सरकार ने समूह 3 और समूह 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम सीमा कितने साल कर दी है? 35, 30, 40 एंड 28।
तो ये पहले जो है ये जो एज लिमिट थी ये 38 थी, अब इसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 40। आगे चलते हैं, वेटरन एसएमई सिंगर अर्चना महांता पास्ड अवे, वयोवृद्ध एसएमई गायिका अर्चना महांता का हाल ही में निधन हो गया। शी वॉज द विडो ऑफ द फेमस सिंगर खगेन महांता हु वॉज नोन एज द किंग ऑफ बीहू। अर्चना प्रसिद्ध गायक खगेन महांता की विधवा थी जिन्हें बीहू के राजा के रूप में जाना जाता था। शी वॉज द मदर ऑफ पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर पेपोन महांता, यह बॉलीवुड के लोकप्रिय जो गायक हैं पेपोन महान उनकी माँ थी। अलॉन्ग विद हर हस्बैंड महांता हैज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग असमीज फोक म्यूजिक, अपने पति के साथ महंत ने असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैव मोर्न हर डेथ। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली वेटरन डैश सिंगर अर्चना महांता पास्ड अवे, हाल ही में वयोवृद्ध डैश गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया। बंगाली मराठी भोजपुरी एंड असमीज, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो अर्चना महांता जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन सी सिंगर थी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज असमीज, असमी सिंगर थी वो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज ग्रेप कल्टीवेशन एंड फूड प्रोसेसिंग आर बीइंग अडॉप्टेड इन अरियालूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप स्कीम, एक जिला एक फसल योजना के तहत अंगूर की खेती और खाद्य प्रसंस्करण को तमिलनाडु के अरियालूर जिले में अपनाया जा रहा है। Presently, more than 25,000 acres of land is being used in various panchayats of the district for grape cultivation and planting of vineyards. तो वर्तमान में जिले की विभिन्न पंचायतों में अंगूर की खेती और अंगूर के बाग लगाने के लिए 25,000 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है। बात करें हम वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप स्कीम की, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी कहते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है एक जिला एक फसल योजना या फिर एक जिला एक उत्पाद योजना जो है केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर पहल का एक हिस्सा है। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये योजना जो है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर पूछा जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप स्कीम जो है ये कौन चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज चला रही है। The objective of ODOP is to help farmers to cope with market conditions including extreme price fluctuations. ODP का उद्देश्य किसानों को अत्यधिक मूल्य में उतार चढ़ाव से युक्त बाजार की स्थितियों से जूझने में मदद करना है। The scheme is applicable to processing industries in food parks set up by both the central and state governments. योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दोनों ही द्वारा स्थापित खाद्य पार्कों में प्रसंस्करण उद्योगों के लिए लागू है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट अबाउट वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप स्कीम, एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में क्या सही है। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। The scheme is applicable to processing industries in food parks established by both the central and state governments. योजना केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा स्थापित खाद्य पार्कों में प्रसंस्करण उद्योग के लिए लागू है। So आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, one only, two only, both one and two and none of these. So इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इनॉग्रेशन ऑफ केरलास फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा, केरल राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन। रिसेंटली केरला चीफ मिनिस्टर पिनारी विजयन ही हैज इनॉग्रेटेड प्रतीक्षा द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस एक्वायर्ड बाय द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। हाल ही में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन उन्होंने राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया है। अलोंग विद दिस टू अदर एम्बुलेंसेस प्रत्याशा एंड करुणा वर आल्सो लॉन्च्ड, तो इसके साथ ही अन्य दो एम्बुलेंस प्रत्याशा और करुणा का भी जलावतरण हुआ है।
Pratiksha will be stationed at Vizhinjam in Trivandrumpuram. Pratyasha and Karuna will be stationed at Vaipan and Bipur in Kozhikode. तो प्रतीक्षा जो है वो तिरुवनंतपुरम के विजिंजाम में तैनात होगी और जो प्रत्याशा और करुणय है ये कोझिकोड में वाइपन और बेपोर में तैनात रहेंगे. द वेटिंग सी एम्बुलेंस विच इज 23 मीटर्स इन लेंथ एंड 5.5 मीटर्स इन विड्थ कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 40 नॉट्स पर आवर. तो प्रतीक्षा समुद्री एम्बुलेंस जिसकी लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 5.5 मीटर है प्रति घंटे 14 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकती है. दिस विल बी प्रतीक्षा एम्बुलेंस. ठीक है, आगे चलते हैं. इट विल ऑल्सो बी यूज टू सेव फिशरमैन स्ट्रैंडेड इन द सी. समुद्र में संकट में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए भी प्रयोग की जाएगी. द बोट्स हैव द फैसिलिटी टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू 10 पीपल एट अ टाइम. इन नौकाओं में एक बार में 10 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है. इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू rescued fishermen and transfer them to shore as soon as possible. साथ ही ये बचाए गए मछुआरों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और उन्हें जल्द से जल्द किनारे पर स्थानांतरित करने में मदद करेगा. The Kerala State Inland Navigation Corporation will appoint trained technical staff in the boats. केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम नौकाओं में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. रिसेंटली इन विच स्टेट हैज मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा बीन इनॉग्रेटेड. हाल ही में किस राज्य में समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है. गुजरात, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए. गाइज वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि केरला. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज टू डे वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली. दो दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और ये 27 से लेकर 29 अगस्त तक चल रही है. द कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज. तो ये सम्मेलन जो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा आयोजित किया गया है. उर्दू इज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ द ओवरऑल कल्चर एंड इंटरपर्सनल बॉन्ड्स बट ऑल्सो ऑफ ह्यूमैनिटी हार्ट एंड सोल. उर्दू न केवल समग्र संस्कृति और अंतर वैकल्पिक जो बंधन है उनकी बल्कि मानवता, हृदय और आत्मा की भी भाषा है. द एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो मेड एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन दिस ओकेजन दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर प्राइजेज एंड ऑनर्स विल बी अवॉर्डेड इन द नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट उर्दू पर्सनैलिटीज लाइक अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, आगा हशर, रामबाबू सक्सेना एंड दयाशंकर टू प्रमोट उर्दू. उर्दू काउंसिल विल गिव दीज अवार्ड्स टू उर्दू राइटर्स. शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि अगले वर्ष से उर्दू परिषद द्वारा उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्यिक और रचनात्मक सेवाओं के द्वारा उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिए अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, आगा शहर, रामबाबू सक्सेना और दयाशंकर नसीम जैसे उर्दू की महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. टॉकिंग अबाउट NCPUL, दिस इज नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज. इट इज एन ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये भारत सरकार में एक स्वायत्त नियामक संस्था है. इट इज एन इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था है. इट इज द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन इंडिया. तो यह भारत में उर्दू भाषा के उन्नयन के लिए उत्तरदायी संस्था है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1996. तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1996 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय. चलिए प्रश्न देख लेते हैं. इन विच ईयर वॉज द नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड. सो भारत में उर्दू भाषा के उन्नयन के लिए उत्तरदायी संस्था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज किस वर्ष स्थापित की गई थी. 1990, 1996, 1994 और 1992. तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज 1996. तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो सभी देख ली है और उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं. आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए
और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।